काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्राइम के इस अध्याय में आप जानेंगे टैक्स रेट हायरार्की और उसके उपयोग के बारे में। हमने आपको पिछली वीडियोस में स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और साथ ही अकाउंटिंग लेजर पर जीएसटी इनेबल करना, टैक्स रेट सेट करना और उसके बाद बिल बनाना यानी गुड्स और सर्विसेज के क्रय और विक्रय के बारे में बता दिया है। आज के इस वीडियो में हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताएंगे कि टैली में इनके अलावा और कहां कहां टैक्स रेट सेट किया जा सकता है, और यदि आप एक से ज्यादा जगह पर टैक्स रेट सेट कर देते हैं तो वाउचर बनाते समय टैली कौन से लेवल पर लगाए गए टैक्स रेट के आधार पर टैक्स कैलकुलेट करता है, यानी टैली किस क्रम में टैक्स कैलकुलेट करता है। ध्यान रखें, ये वीडियो टैली पर काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए देखना जरूरी है, क्योंकि यदि आपकी कंपनी में एक से ज्यादा जगह पर टैक्स रेट लगाए गए हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस लेवल पर लगाए टैक्स का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यदि आपको ये पता नहीं होगा तो आप अपने बिजनेस में बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हम आपको टैक्स हायरार्की का एक चार्ट बता रहे हैं। ये देखिए, इसमें सबसे पहले है कंपनी, दूसरा है स्टॉक ग्रुप, तीसरा है स्टॉक आइटम, चौथा है अकाउंटिंग ग्रुप, पांचवा है लेजर और आखिरी लेवल है ट्रांजैक्शन। मतलब हम कुल 6 जगहों पर टैक्स रेट सेट कर सकते हैं। आगे आपको समझने में आसानी हो उसके लिए हम इन लेवल के सामने एक काल्पनिक टैक्स स्लैब भी दे रहे हैं। इस वीडियो में हम एक एक करके सभी लेवल पर टैक्स रेट सेट करेंगे और इसके साथ ही उनका क्या प्रभाव पड़ता है ये भी देखेंगे। यहाँ हमारा आपसे एक निवेदन है कि इसके उपयोग को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए टैली में काम शुरू करते हैं। हम एक नई कंपनी टैक्स रेट हायरार्की के नाम से बना रहे हैं। स्टेट में हम मध्य प्रदेश ले रहे हैं। अब हम इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर आ गए हैं। यहां हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, जीएसटी डिटेल्स की स्क्रीन आ रही है। किसी कंपनी में जीएसटी कैसे इनेबल करते हैं ये हम आपको डिटेल में अपनी वीडियो नंबर 75 में बता चुके हैं। अभी हम सेट ऑब्लिक ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स पर हैं। ध्यान रखें, इस जगह पर यानी कंपनी लेवल पर जीएसटी रेट तब सेट करते हैं जब हमारी कंपनी में सभी आइटम्स एक ही कैटेगरी के हों और उनका एचएसएन और टैक्स रेट एक ही हो। एक्चुअली इस कंपनी में ऐसा नहीं है, हम सिर्फ टैक्स रेट हायरार्की को समझने के लिए कंपनी लेवल पर टैक्स रेट सेट कर रहे हैं। यहां हम सेट ऑब्लिक ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स को यस कर रहे हैं। यहां हमें कुछ और ऑप्शंस चाहिए, उसके लिए F12 प्रेस करेंगे। अब यहां हम अलाउ HSN ऑब्लिक SAC डिटेल्स और शो ऑल GST टैक्स टाइप्स को यस कर रहे हैं। अब इसे सेव कर लेते हैं। ये देखिए, अभी हमने जो ऑप्शंस चालू किए थे वो यहां पर दिखाई पड़ने लगे हैं। यहां अभी हम डिस्क्रिप्शन और HSN को ब्लैंक छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे। इंटीग्रेटेड टैक्स में हम 5% टाइप कर रहे हैं और अब एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ ई वे बिल एप्लीकेबल इस ऑप्शन को नो कर देंगे। अब इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे, इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए, हमारी कंपनी बन गई है, इसमें हमने कंपनी लेवल पर टैक्स लगा दिया है। अब हम परचेज और सेल्स के दो लेजर्स बना लेते हैं। अब टीवी के नाम से एक स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं।
स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद इसी ग्रुप के अंतर्गत हम एक स्टॉक आइटम सोनी टीवी 20 इंचेस बना लेते हैं। यहां हमें यूनिट भी बनाना होगी। ये सभी कैसे बनाते हैं ये हम आपको बेसिक लेवल पर सिखा चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और एक सेल्स वाउचर बना लेते हैं। ध्यान रखें, इस कंपनी में हमने कोई खरीद नहीं की है, इसलिए हम जब भी कोई सेल्स वाउचर बनाएंगे स्टॉक नेगेटिव में जाएगा, जिसे हम अनदेखा करके आगे बढ़ेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में कैश सिलेक्ट कर रहे हैं। यहां पार्टी डिटेल्स में रवि जैन इंदौर टाइप कर रहे हैं। स्टेट में मध्य प्रदेश ही रहने दे रहे हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में कंज्यूमर सिलेक्ट कर रहे हैं। यहां सेल्स अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हैं। आइटम में सोनी टीवी 20 इंचेस ले रहे हैं, क्वांटिटी 1, और रेट 20,000 टाइप कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर सिलेक्ट करना होंगे जो कि बने हुए नहीं हैं। तो पहले हम उन्हें बना लेते हैं। ये देखिए, यहां पर टैक्स का अमाउंट भी आ गया है। हम ऑल्टर और ए प्रेस करके टैक्स एनालिसिस देख लेते हैं। डिटेल्ड व्यू के लिए ऑल्टर और F5 प्रेस करें। ये देखिए, हमने कंपनी लेवल पर 5% से जीएसटी लगाया था और उसी हिसाब से यहां पर 2.5% सेंट्रल टैक्स और 2.5% स्टेट टैक्स कैलकुलेट हुआ है। आइए अब इस वाउचर से बाहर आकर स्टॉक ग्रुप पर टैक्स रेट सेट कर देते हैं। उसके लिए हमें टीवी के स्टॉक ग्रुप को अल्टर करना होगा। यहां टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सिलेक्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड टैक्स में 10% टाइप कर रहे हैं। अब फिर से वाउचर बना लेते हैं। आइए अब टैक्स एनालिसिस देख लेते हैं। ये देखिए, हमने स्टॉक ग्रुप पर 10% से जीएसटी लगाया था और उसी हिसाब से यहां टैक्स कैलकुलेट हुआ है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी ऐसे स्टॉक आइटम को वाउचर में ले लेते हैं जिसके स्टॉक ग्रुप पर हमने जीएसटी रेट सेट किया हुआ है, तो कंपनी लेवल पर लगाए गए टैक्स का कोई मीनिंग नहीं है। आइए अब इस वाउचर से बाहर आकर स्टॉक आइटम पर टैक्स रेट सेट करके देख लेते हैं। उसके लिए हमें स्टॉक आइटम सोनी टीवी 20 इंचेस को अल्टर करना होगा। यहां पर हम टैक्सेबल सिलेक्ट कर रहे हैं और यहां इंटीग्रेटेड टैक्स में 12% टाइप कर रहे हैं। इसी के साथ हम एक और स्टॉक आइटम सोनी टीवी 30 इंचेस टीवी ग्रुप के अंतर्गत ही बना लेते हैं। ध्यान रखें, इसमें हम जीएसटी रेट सेट नहीं कर रहे हैं। अब हम फिर से वाउचर बना लेते हैं। यहां पर हम दो आइटम्स ले रहे हैं, दोनों ही टीवी स्टॉक ग्रुप में बने हैं और टीवी के स्टॉक ग्रुप पर हमने 10% जीएसटी भी सेट किया हुआ है। पर यहां दोनों स्टॉक आइटम में एक फर्क है, हमने सोनी टीवी 20 इंचेस पर 12% जीएसटी रेट सेट किया है और सोनी टीवी 30 इंचेस पर जीएसटी रेट सेट नहीं किया है। आइए अब टैक्स एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए, सोनी टीवी 20 इंचेस पर 12% के हिसाब से जीएसटी कैलकुलेट हुआ है, क्योंकि इस आइटम पर हमने जीएसटी का यही रेट
सेट किया था। और चूंकि सोनी टीवी 30 इंचेस पर हमने कोई टैक्स रेट सेट नहीं किया था, तो उसने टीवी ग्रुप पर सेट किए गए टैक्स रेट के आधार पर 10% टैक्स कैलकुलेट किया है। आइए हम इसे वाउचर में एक नया आइटम LG वॉशिंग मशीन का और जोड़ देते हैं। यह आइटम बना हुआ नहीं है तो पहले इसे बना लेते हैं। अंडर में भी हम एक नया ग्रुप वॉशिंग मशीन के नाम से बना रहे हैं। ध्यान रखें, इस आइटम और इसके ग्रुप दोनों में से किसी में भी हमने टैक्स रेट सेट नहीं किए हैं। अब हम वापस CGST और SGST लगाते हुए नीचे आ गए हैं। अब इसका टैक्स एनालिसिस देख लेते हैं। ये देखिए, सोनी टीवी 20 इंचेस पर आइटम पर सेट किए गए टैक्स रेट के हिसाब से 12% GST कैलकुलेट हुआ है। सोनी टीवी 30 इंचेस पर उसके ग्रुप पर सेट किए गए टैक्स रेट के हिसाब से 10% GST कैलकुलेट हुआ है। और चूंकि हमने जो नया आइटम LG वॉशिंग मशीन बनाया था, उस पर या उसके ग्रुप पर कोई टैक्स रेट सेट नहीं किया था, इसलिए टैली ने कंपनी लेवल पर सेट किए गए टैक्स रेट के हिसाब से 5% GST कैलकुलेट किया है। कहने का मतलब ये है कि टैली को पहले आइटम पर जो टैक्स रेट मिला, उसने उस आइटम पर वो टैक्स रेट लगा दिया। टैली ने दूसरे आइटम पर टैक्स रेट चेक किया पर कोई टैक्स रेट नहीं मिला, तो उसने उस आइटम से संबंधित स्टॉक ग्रुप को चेक किया और स्टॉक ग्रुप पर जो टैक्स रेट सेट है उसके हिसाब से उस आइटम पर टैक्स लगा दिया। जबकि टैली को तीसरे आइटम पर और न ही उसके ग्रुप पर कोई टैक्स रेट सेट किया हुआ मिला, तो उसने कंपनी लेवल पर जो टैक्स रेट सेट है वो लगा दिया। आइए अब इस वाउचर से बाहर आकर ऐसे अकाउंटिंग ग्रुप्स जिनका GST से सीधा रिलेशन होता है, जैसे कि इनकम, एक्सपेंस, परचेज और सेल्स, उन पर हम टैक्स रेट कैसे सेट कर सकते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि सेल्स और परचेज पर तो GST सेट किया जाता है, पर क्या इनकम और एक्सपेंसेस पर भी GST सेट किया जाता है? जी हाँ, हम आपको वीडियो नंबर 86 में इनकम और एक्सपेंसेस के लेजर्स पर GST सेट करना बता चुके हैं। यहाँ हम अकाउंटिंग ग्रुप लेवल पर टैक्स रेट किस तरह सेट करते हैं ये समझने के लिए परचेज अकाउंट्स ग्रुप और सेल्स अकाउंट्स ग्रुप पर टैक्स लगा रहे हैं। उसके लिए हमें परचेज अकाउंट्स ग्रुप को अल्टर करना होगा। ये देखिए, ग्रुप ऑल्टरेशन स्क्रीन आ रही है। यहाँ सबसे पहले हम F12 की प्रेस करेंगे और प्रोवाइड GST डिटेल्स को यस करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर सेट ऑब्लिक ऑल्टर GST डिटेल्स ऑप्शन आ गया है, हम इसे यस करेंगे। यहाँ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के आगे हम नॉट एप्लीकेबल ही रहने दे रहे हैं। ध्यान रखें, यदि यहाँ आप नॉट एप्लीकेबल की जगह पर कुछ और सिलेक्ट कर लेंगे तो आगे दिक्कत आएगी। यहाँ टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ 18% टाइप कर रहे हैं। इसी तरह हम सेल्स अकाउंट्स ग्रुप में भी GST रेट सेट कर लेंगे। अब फिर से वाउचर बना लेते हैं। आइए अब टैक्स एनालिसिस देख लेते हैं। ये देखिए, हमने सेल्स अकाउंट्स ग्रुप पर 18% से GST लगाया था, तो उसी हिसाब से यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट हुआ है। यानी अकाउंटिंग ग्रुप पर टैक्स लगाते ही कंपनी लेवल, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम पर लगाए टैक्स का कोई मीनिंग नहीं रहता है।
यहाँ हम आपको दो महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं। पहली, यदि आपने कहीं भी जीएसटी रेट सेट किया हुआ है और आप उसे बदलना चाहते हैं तो ये काम आपको अकाउंटिंग ग्रुप को लेकर हम समझा देते हैं। हम सेल्स अकाउंट्स ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हैं। सेट ऑब्लिक ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करके एंटर प्रेस करें। जीएसटी डिटेल्स की विंडो आ रही है, यहां ऑल्टर और डब्ल्यू प्रेस करें। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। यहां एप्लीकेबल फ्रॉम में वो तारीख टाइप करें जिस तारीख से आप टैक्स रेट चेंज करना चाहते हैं। एंटर प्रेस करते हुए हम सेट ऑब्लिक ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स पर आ गए हैं, यहां यस करके एंटर प्रेस करें। इंटीग्रेटेड टैक्स के आगे नया टैक्स रेट टाइप करें, हम 13 टाइप कर रहे हैं और एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहां 13% आ गया है। अब हम एक एक करके सभी विंडोज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहां एक बात और ध्यान रखें, टैक्स रेट बदलने के बाद यदि हम किसी पिछले पीरियड में कोई वाउचर बनाते हैं तो उस वाउचर पर पुराने टैक्स रेट से ही टैक्स कैलकुलेट होगा। दूसरी बात, यदि आपने कहीं टैक्स रेट सेट किया हुआ है और आप उसे हटाना चाहते हैं तो ये भी हम अकाउंटिंग ग्रुप को लेकर आपको समझा देते हैं। हम परचेज अकाउंट्स ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हैं। सेट ऑब्लिक ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करके एंटर प्रेस करें। जीएसटी डिटेल्स की विंडो आ रही है, यहां ऑल्टर और डब्ल्यू प्रेस करें। यहां एप्लीकेबल फ्रॉम में जो तारीख लिखी है उस पर जाकर स्पेस बार प्रेस करेंगे और इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए यहां से टैक्स रेट चला गया है। अब एक एक करके सभी विंडोज को एक्सेप्ट कर लेंगे। आइए अब लेजर पर टैक्स लगाकर देख लेते हैं। उसके लिए हम सेल्स के लेजर को ऑल्टर कर रहे हैं। यहां नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के आगे हम नॉट एप्लीकेबल ही रहने देंगे। यहां टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सिलेक्ट कर रहे हैं और यहां 20% टाइप कर रहे हैं। अब फिर से वाउचर बना लेते हैं। आइए अब टैक्स एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए हमने लेजर पर 20% से जीएसटी लगाया था और उसी हिसाब से यहां टैक्स कैलकुलेट हुआ है। कहने का मतलब ये कि यहां लेजर पर टैक्स रेट सेट करते ही कंपनी लेवल, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और अकाउंटिंग ग्रुप पर सेट किए गए टैक्स रेट का कोई मीनिंग नहीं है। अभी हमने 5 लेवल पर जीएसटी इनेबल करना बता दिया है। आइए अब हम आपको छठे और आखिरी लेवल जो कि ट्रांजेक्शन लेवल है उस पर वाउचर बनाते समय जीएसटी रेट सेट करना बता देते हैं। इसे समझने के लिए हम फिर से एक सेल्स वाउचर बना रहे हैं। वाउचर बनाने के पहले हमें ट्रांजेक्शन लेवल पर टैक्स लगाने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। उसके लिए F12 प्रेस करेंगे। यहां से मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ जीएसटी पर जाना होगा और इस ऑप्शन को यस करना होगा। अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पार्टी अकाउंट नेम में कैश सिलेक्ट कर रहे हैं। यहां रवि जैन इंदौर टाइप कर रहे हैं और स्टेट में मध्य प्रदेश ले रहे हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में कंज्यूमर सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए जैसे ही हमने सेल्स अकाउंट सिलेक्ट किया टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स की एक नई विंडो ओपन हो गई है। यदि आपको स्क्रीन इस तरह की दिखाई पड़ती है तो ठीक है, और यदि इसकी जगह पर स्क्रीन इस तरह की दिखाई पड़े तो F12 की प्रेस करेंगे। अब यहां दिखाई पड़ रहे ऑप्शंस में से अलाउ ओवरराइड असेसेबल वैल्यू और ओवरराइड टैक्स रेट को यस करेंगे और इस विंडो को सेव कर लेंगे।
ध्यान दें, यहाँ क्लासिफिकेशन ऑब्लिक नेचर अभी ब्लैंक है। हम एंटर प्रेस करेंगे, ऐसा करते ही नॉट एप्लीकेबल आ रहा है और देखिए उसके आगे सेल्स टैक्सेबल लिखा है। यहाँ सेल्स टैक्सेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि हम अपने प्रदेश में ही माल बेच रहे हैं। यदि हमने पार्टी का नाम सिलेक्ट करते समय अपने प्रदेश के बाहर की कोई पार्टी ली होती तो यहाँ अपने आप इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल लिखा हुआ होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ करंट में 20% लिखा आ रहा है और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने सेल्स का लेजर सिलेक्ट किया है जिस पर हमने 20% टैक्स रेट सेट किया था। अब चूंकि यहाँ हम ट्रांजेक्शन लेवल पर 28% जीएसटी लगाना चाहते हैं, हम इंटीग्रेटेड टैक्स में 28% टाइप कर रहे हैं और एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हम आइटम में सोनी टीवी 20 इंचेस ले रहे हैं, यहाँ क्वांटिटी में 1 और रेट में 20,000 टाइप कर रहे हैं। अब हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर सिलेक्ट करना होंगे। आइए अब हम टैक्स एनालिसिस देख लेते हैं। ये देखिए हमने ट्रांजेक्शन लेवल पर 28% टैक्स रेट सेट किया था इसलिए यहाँ 28% आ रहा है। इसका मतलब है कि आप चाहे सब जगह टैक्स रेट सेट कर दें और उसके बाद यदि आपने ट्रांजेक्शन लेवल पर टैक्स रेट सेट कर दिया तो ये बाकी सबको ओवरराइड कर देगा। आइए अब इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। ये देखिए जैसे ही हम इसे सेव करने जाते हैं यहाँ 3 ऑप्शंस एक्सेप्ट, ओवरराइड और बैक दिखाई पड़ रहे हैं। ध्यान रखें ये ऑप्शंस ट्रांजेक्शन लेवल पर टैक्स रेट सेट करने पर ही दिखाई देते हैं। यदि यहाँ हम एक्सेप्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये एंट्री सिर्फ सेव हो जाएगी और संबंधित रिटर्न में अनसर्टन ट्रांजेक्शन में दिखाई देंगी। तब आपको इस एंट्री को फिर से ओपन करके रिजोल्व करना होगा। और यदि हम एक्सेप्ट की जगह पर ओवरराइड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो ये एंट्री सेव होने के बाद संबंधित रिटर्न में भी शो हो जाएगी, यानी ये अनसर्टन ट्रांजेक्शन में दिखाई नहीं देगी। और यदि हम बैक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो हम वापस वाउचर की शुरुआत में आ जाएंगे। यहाँ हम ओवरराइड के लिए ओ प्रेस कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि टैली के अंतर्गत सभी लेवल पर किस तरह से टैक्स रेट डिफाइन किए जा सकते हैं और टैली कब कौन सा टैक्स रेट कैलकुलेट करता है। हम एक बार फिर से टैक्स रेट हायरार्की को संक्षेप में समझ लेते हैं। हम जब भी किसी वाउचर में एंट्री करेंगे तो टैली सबसे पहले चेक करेगा कि क्या ट्रांजेक्शन लेवल पर कोई टैक्स रेट डिफाइन किया गया है। अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो लेजर लेवल पर चेक करेगा। अगर लेजर लेवल पर भी कुछ नहीं मिला तो वो अकाउंट्स ग्रुप लेवल पर जाएगा। अगर अकाउंट्स ग्रुप में भी नहीं मिला तो स्टॉक आइटम में जाएगा। हम वाउचर में जितने भी स्टॉक आइटम्स ले रहे हैं टैली एक एक करके सभी को चेक करेगा। अब मान लीजिए टैली को किसी एक आइटम में टैक्स रेट मिला तो वो उस टैक्स रेट को उस आइटम पर लगा देगा, और यदि किसी दूसरे आइटम पर टैक्स रेट नहीं मिला तो फिर उस दूसरे आइटम से संबंधित स्टॉक ग्रुप को चेक करेगा। और यदि स्टॉक ग्रुप में भी टैक्स रेट सेट किया हुआ नहीं है तो कंपनी लेवल पर चेक करेगा। तो आपने देखा कि टैली में टैक्स रेट हायरार्की किस तरह काम करती है और अलग अलग लेवल पर टैक्स लगाने और उसकी पूरी जानकारी न होने पर क्या परेशानी आ सकती है। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको जीएसटी के साथ डिस्काउंट के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।